शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं उसे गली का वो कुत्ता बनाऊंगा जिसके मुंह में ना जबान होगी ना दांत। मर्द वही होता है जो दिया हुआ वचन निभाता है। जिन लोगों को मुझे मारना है वो अभी तक जिंदा है। काला सिंह को लगता है कि वो मूर्ति चुरा कर लेके जाएगा, लेकिन कसम काली मैया की, जब तक इंस्पेक्टर करण जिंदा ये मुमकिन नहीं है। ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सर, लेकिन आप कौन है सर? आपको किसने भेजा है? मुझे होम मिनिस्टर ने स्पेशल ड्यूटी पर भेजा है। रामपुर के मंदिर में करोड़ों की मूर्ति है, सुना है काला सिंह उसे लूटने आ रहा है। सर मैंने मंदिर में ऐसा पहरा लगा दिया कि अगर काला सिंह वहां जाए तो बचकर वापस लौट नहीं सकता। डाकू काला सिंह से इंसान तो क्या, जानवर भी घबराते हैं। पलक झपकते ही वो आंखों से सुरमा चुरा लेता है, चील के घोंसले से अंडे गायब कर देता है। गाय जब बछड़े को दूध पिलाने जाती है तो उसे पता चलता है कि काला सिंह दूध पी गया। उस मैंने की शान में डंका मत बजाइए, बताओ करना क्या है? मैं उस दौलत के देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिसे काला सिंह लूटना चाहता है। चलो हमारे साथ मंदिर में। हवलदार चलो हमारे साथ। जागर सिंह, मान सिंह और काला सिंह के आदमी होंगे। ये हमारे आदमी हैं। तुम्हारे आदमी? मैं ही जागीर सिंह का भाई, मान सिंह का साथी, डाकू काला सिंह हूं। तुमने हमारे बहुत सारे साथियों को मारा, मैं उसका बदला लूंगा। लेकिन उससे पहले तुम हमारे को मंदिर पहुंचाओगे, पुलिस का पहरा हटाकर वो मूर्ति हमारे हवाले करोगे, तो ही तुम जिंदा रहोगे। अरे मैं तो इसी तलाश में बरसों से था कि कोई लंबा हाथ मारे। अरे इस पुलिस की नौकरी में मिलता ही क्या है? गिनते हराम करने के बाद गिनती के चंद नोट, और तुम्हारे जैसे काले धंधे करने वाले डाकू हवेलियों में रंग रलियां मनाते हैं, लंबी तान कर सोते हैं, और हमारे जैसे पुलिस वाले तुम्हारे गलियों में पहरा देते हुए अपनी बदकिस्मती पर रोते हैं। मैंने तो सुना है तुम बहुत ईमानदार हो। बेईमानी आसानी से कर सकूं,
इसलिए ईमानदारी की दीवार मैंने चारों तरफ खड़ी कर दी है। तो चलो हमारे साथ मंदिर लूटते हैं। पहले ये तो तय करो कि लूटे हुए माल में मेरा हिस्सा कितना होगा। अगर तुम हमारा काम करोगे तो चारों का बराबर का हिस्सा होगा, लेकिन तुम्हारी बेईमानी का सबूत नहीं मिलना चाहिए। मार कर उसका कबाड़ा कर दिया। हाँ, वो हवालात में तुम्हारे भाई को ऐसे पीट रहा है जैसे धोबी गधे को पीटता। नहीं, उसने मेरे भाई को गधा बनाया है। मैं उसे गली का वो कुत्ता बनाऊंगा जिसके मुंह में ना जबान होगी ना दांत। पांव का वो अपाइट होगा और पड़ा रहेगा किसी कोने में एक भिखारी की तरह। जीप से बाहर निकल और उस रास्ते पे चल जिस रास्ते पे चलने वाला सीधा मौत के मुंह में पहुंच जाता है। मैं जानता हूं जागीर सिंह तो अपने भाई के गम में जहरीले सांप की तरफ फुनकारे मार रहा है। मैं फुनकारने नहीं, तुझे डसने आया। अगर तू मेरे भाई काला सिंह को जेल की काल कोठरी से आजाद कर दे तो हो सकता कि मैं तेरी जिंदगी को आजाद कर दूं। वरना बड़ी दर्दनाक मौत मिलेगी तुझे। तू सूंट की तरह फड़फड़ाएगा जिसकी दुम में आग लग जाती है, लेकिन उसकी दुम पे बरनौल लगाने वाला कोई नहीं होता। सर पर कफन बांधकर मैदान जंग में कूदने वाले मौत से नहीं डरते मानसिंह, वो तो पहले ही जिंदगी से मौत का सौदा कर चुके होते हैं। वो मरने से पहले ही मर चुके होते हैं और ऐसे मरने वालों को लोग शहीद कहते हैं। अच्छा, तो तुझे शहीद होने का बड़ा शौक है। चल, तेरा ये भी अरमान पूरा कर देते हैं। मेरे मरने के बाद ये धरती वीरों से खाली नहीं होगी मानसिंह। मेरे मरने के बाद मेरी जगह मेरा बेटा लेगा जो तुम जैसे लोगों को चैन से बैठने नहीं देगा। अच्छा हुआ तूने अपना इरादा बता दिया। अपना इरादा बताकर खुद तूने अपने सपने को खाक में मिला दिया। तो तू अपने बेटे को इंस्पेक्टर बनाना चाहता है हा? तुझे मारने के बाद मैं तेरे बेटे को इंस्पेक्टर नहीं बल्कि डाकू बनाऊंगा। ये देख। हाँ। लक्ष्मी यहां से चली जा तू। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। ये क्या हो गया? तूने मेरे पति को मार डाला, तुझे कानून जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुझे इसकी सजा मिलेगी। कुछ बोलिया क्या?
अगर तू अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो कानून को यह मत बताना कि तेरे पति को हमने मारा है, बल्कि अपने पति के खून का इल्जाम अपने सर ले लेना। बोल, ऐसा करेगी या तेरे बच्चे को भी गोली मार? नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम जो कहोगे वैसे करूंगी, जिंदगी भर के लिए अपने होंठ सील लूंगी। खातिर लव रुहान करता है गरीबों का दामन, जिसके जुल्म से लोगों के दिलों की कांप उठती है धड़कन, जिसके करनी से नारी का होता है दागदार दामन, उसकी हस्ती मिटाने के लिए टूट पड़ता है ये लखन। दूसरों का झूठा नहीं खाते मगर अपना झूठा खाने पे मजबूर हो जाते हैं। पता लगाओ कि ठाकुर भैरव सिंह कहां है और क्या कर रहा है वो। लखन, Thank you.
व्याकरण तू और इसको टेबल लाखन, ये तेरे साथ नई नवेली दुल्हन कौन है रे? ये दुल्हन नहीं, ठाकुर एक बहन है और अब तुझे इससे प्यार हो जाना है। बोल, शादी करता है या नहीं? लाखन सिंह, तुम्हें इनकार करना तो मौत को इनकार करना है। तुझे इनकार करके मैंने अपनी मौत को पुकारना है क्या? आखिर शादी का मामला है, शादी से पहले लड़की को देखना भी तो जरूरी है ना। देख ले ठाकुर। ये तो वही लड़की है। हाँ ठाकुर, ये वही लड़की जिसकी तूने इज्जत लूटी थी और अब तू इससे शादी रचा के इसकी इज्जत वापस लौटाएगा। बोल, इकरार है या इनकार? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुझे इकरार ही इकरार है। दिलावर सिंह, भूल लो, अर्थी के लिए नहीं, शादी के लिए। मुझे माफ कर दे, मैं नीचे होता हूँ। अब तो ठीक है ना लाखन? असम काली मैया की, अगर आज तूने इस शादी से इनकार किया होता तो मैं तेरी ये फैसे जैसे कर्तन उड़ा देता। हमारे लिए क्या हुक्म है, हम लोग चले? नहीं लाला, तुम कहीं नहीं जाओगे। आज इस शादी की खुशी में जश्न भी मनेगा, मुजरा भी होगा। बैठो जाकर। आओ प्रिय, चले। ये छुप छुप कर क्या तमाशा देख रही है? हम तेरे मेहमान हैं, एहतराम कर, सलाम कर, हमारे शौक का इंतजाम कर। मेहफिल में आने वालों को सलाम है।
जम के नाची है लड़की, नहीं बम है बम। बोल, रात भर मेरे दिल में धमाका करने का क्या ले? ए डाकू, एक अबला लड़की की शादी करवाकर तू मेरी नजर में देवता बन गया था, पर मेरी कीमत लगाकर तू मेरी नजरों से गिर गया है और वो खोटा सिक्का बन गया है जिसे जेब से गिरने के बाद कोई नहीं उठाता। कोठे पे नाचने वाले की औकात उस चवन्नी से ज्यादा नहीं होती जो नाचते नाचते कभी उस जेब में गिरती है कभी इस जेब में। और फिर एक दिन हनकते हुए सिक्कों की छंकार में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाती है। तो क्या हुआ, तवायफ किसी पर गोली नहीं चलाती, किसी के घर पर डाका डालकर माँ की गोद नहीं उजाड़ती, किसी की माँ का सिंदूर नहीं पोसती, किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाती। हम अगर जुल्म और कहर है तो तुम मीठा जहर है। हम दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग जरूर है, मगर अंजाम और काम करने का इनाम तो एक ही। जरा सोच, ये वो लोग जो तुझ पर दौलत लुटाते, क्या उनके घर वाले ये देखकर खुश होते हैं कि जिस दौलत पर उनका हक है तू उन्हें लूटती है? आगल आशिक तेरे घुंघरुओं की झंकार सुनने के लिए अपनी पत्नियों का जेवर पेश डालते हैं, तेरी मुस्कान खरीदने के लिए अपने घर वालों की आंखों को खून के आंसू रुलाते हैं। क्या ये लुटेरापन नहीं? तेरे पास जो धन है वो मजबूर माँ बहन और बच्चों का कफन नहीं? तेरी बातें कुछ कुछ ठीक लग रही हैं मुझे। अब चल मेरे साथ बंद कमरे में और सीख एक तवायफ को एक डाकू के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। डाकू लाखन, तवायफ भी एक औरत होती है। मुझे ये सिखाने से पहले कि एक तवायफ को एक डाकू के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, पहले तू तो ये समझ ले कि एक मर्द को एक औरत के साथ कैसे पेश आना चाहिए। कलमुही, लाखन डाकू से तू जबान लड़ाती है, कहीं तेरी अकल चवनी चढ़ने तो नहीं गई है?
ए मुन्नी भाई मुजरे वाले, ये कौन है तेरी? ये मेरी लड़की है। नहीं, ये तेरी जनी नहीं हो सकती। कागज पे कलम तो चलता है मगर कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। जरूर किसी शरीफ माँ की शरीफजादी है। बोला ले रुपए और किसी शरीफ लड़के के साथ इसका ब्याह कर देना। आज के बाद ये मुजरा नहीं करेगी, समझी? तो अफसोस के एक तवायफ को इंसान की पहचान नहीं, मगर एक डाकू को इंसान की इंसानियत की परख है। ठाकुर, इस गोली को ठीक से देख ले, क्योंकि इस पर तेरा नाम लिखा है। और रोज सुबह भगवान के साथ साथ इसके भी दर्शन करना, क्योंकि अगर मेरी बहन को किसी भी किस्म की तकलीफ हुई ना ठाकुर, तो फिर यह गोली तेरे सीने के पार। लाखन, इस गोली पर मेरा नाम लिखा है, पर मुझे पैदा करने वाले की कसम, ये गोली तेरे सीने के पार होगी। नोरा, क्या सोच रही थी तू? सोचा था कि कलयुग में देवताओं के दर्शन तो हो ही नहीं सकते, पर कल उनके दर्शन हो ही गए। अच्छा, कौन है वो देवता? अरे भाई, मैं भी तो उसे देखूं, उसे आशीर्वाद ले लूं। तुम उसे देखोगे ना तो आशीर्वाद लेना भूलकर उसे हथकड़ी पहना दोगे। तो किसकी बात कर रही? लाखन की। मैं डाकू लाखन की बात कर रही हूँ। पता है, कल उसने दाई माँ को 50,000 देकर कहा, इस लड़की की शादी कर दो, अब ये लड़की मुजरा नहीं करेगी। अब हम और तुम जल्दी ही शादी कर लेंगे। हाँ। कितना महान है वो, लोग उसे मसीहा कहते हैं। मसीहा उसे कहते हैं जोरा, जो मरे हुए लोगों को जिंदगी देता है। तुम उसे मसीहा कैसे कह सकती हो, जो एक इंसान को मारकर दूसरे को जिंदगी देता है? किसी एक के घर में अंधेरा करके दूसरे के घर में उजाला करने वाले को मसीहा नहीं कहते। आजे, आजे। लगे दम बेटे गम, कमाए दुनिया खाए हम। तेरे हाव भाव देखकर यही लगता है कि तू फिर वही सवाल दोहराने आया है कि तेरे माँ बाप कौन थे, कहाँ थे। और मैं तेरे सवाल का जवाब कई हजार मर्तबा दे चुका हूं, लेकिन जब भी तेरे दिल में कोई शक की कली फूटती है, तू फिर यही सवाल दोहराने मेरे पास चला आता है। औजे, जिस तरह सोनार सोने में से खोट निकाल लेता है, उसी तरह मैं भी लोगों की कसम खाकर सच कही हुई बातों में से झूठ पकड़ लेता हूं। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम हमेशा मुझे मेरी वही दुख भरी कहानी सुनाते हो, कि मैं बच्चा था, जंगल में भटक रहा था भूखा प्यासा, मेरे माँ बाप का पता नहीं था, जंगली जानवर मुझे खा जाते, अगर तुम मुझ पर रहम नहीं खाते तो मैं मर जाता, तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, यही कहानी सुनाते हो ना तुम? जो हुआ है वही सुनाता हूँ, जो सच है वही सुनाता हूँ। तू कहे तो हवा में तीर चलाना शुरू कर दूं, सच के उजाले में झूठ के चराग जलाऊं? हां नहीं ताऊजी, इस कहानी में कहीं ना कहीं झूठ जरूर है, क्योंकि जब भी तुम मुझे मेरी ये कहानी सुनाते हो ना, तो मैं तुम्हारी आंखों में एक चमक देखता हूं, वही चमक तो तुम्हारी आंखों में रहती है जब तुम दुश्मन को मारते हो। लाखन मेरे बेटे, तू बचपन से ही हर बात का गलत मतलब निकालता है, इमली को आम समझकर खाता है और खुशी के मौके पर सर को तबला समझकर बजाता है। जा बेटे, जा आराम कर। बड़े अफसोस की बात है कि तू उस पर शक कर रहा है जो खुद बारूद की भट्टी में झुलसा
लेकिन तुझे जिंदगी की ठंडक दी। खुद काल कोठरी में रहा लेकिन तुझे जीवन का उजाला दिया। और आज जब तू बड़ा हो गया तो उसी पर शक करके उसी को झूठा साबित कर रहा है। एहसान की लोरी सुनाकर तुम हमेशा मेरे गुस्से को सो जाने पे मजबूर करते हो ताऊजी। मगर याद रखना, जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम्हारी ये कहानी झूठी है तो कसम काली मैया की सबको पता चल जाएगा कि मान सिंह की जिंदगी उससे रूठी है। ले 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 ले। मान सिंह, इन पहाड़ियों में रहने के लिए हम लोगों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और एक तुम एक और मुसीबत को पाल लिया। ये मुसीबत नहीं है जागीर, बड़ा होकर ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये हमारे लिए डकैतियां करेगा और हम आराम से बैठकर खाएंगे। खाने से मुझे याद आया, हम लोग यहां डकैती करते हैं और हमारी डकैतियों की वजह से यहां का जागीरदार ऐश करता है। पुलिस की गोलियां हम लोग अपने सीने पर खाते हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं, बस जरूर करेंगे। मैं यहां के जागीरदार को जान से मारूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा यहां का जागीरदार। अरे ये क्या, तू रो रहा है बेटे? ये तेरी आंख के आंसू नहीं बल्कि मेरे जिगर का खून है। मैं तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात का यकीन कर बेटे, मुझ पे शक करना छोड़ दे। मजा आ गया, आज जागीर सिंह ने अपनी जागीर में फिर से एक आदमी का शिकार किया। वाह, इस खुशी के मौके पर तो जश्न मनाना चाहिए। और जश्न होगा मुजरा देखकर। मुजरा कौन करेगा मुजरा? अरे वही जो चमेली का डाल दिए गजरा, उसका नाम है जोरा। जोरा, जोरा, जोरा। सच जाओ, थक जाओ और नई नवेली दुल्हन बनकर हमारे साथ चलो, क्योंकि जागीर सिंह ने तुम्हें बुलाया है। जाके जागीर सिंह से कह दो कि जोहरा उसकी जागीर नहीं है, जो उसके एक इशारे पर दौड़ी चली आएगी। और उससे ये भी कह देना कि जोहरा ने मुजरा करना छोड़ दिया है, घुंघरू उतार कर फेंक दिए है उसने। अगर तुझे अपनी चमड़ी दो दो दमड़ी में नीलाम नहीं करवानी है तो घुंघरू पहन ले और चल हमारे साथ, वरना हम तुझे कफन उड़ा देंगे। कफन पहनाने के लिए कपड़ा काटना जरूरी होता है, और कपड़ा काटने के लिए कैंची जरूरी होती है। अरे बेवकूफ, तुझे तो सुई में धागा डालना नहीं आता, तो मुझे क्या कफन पहनाएगा? जोरा भाई, बंदूक चलाने वाले को सुई में धागा डालने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए तो एक इशारा ही काफी है जोरा। और मरने वाले के सर पर छा जाता है मौत का कोरा, और आज ठाकुर तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेगा, नहीं क्योंकि तो ये आग ये शेर के पंजे में। चल चल, रुक जाओ। अरे इंस्पेक्टर, तू यहाँ? अरे लाला, जरा मुझे चुटी तो मार, दिन है या रात, होश में हूँ या बेहोश? अरे दरोगा, ये तेरा पुलिस स्टेशन नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। अरे ये तो जोरा बाई का कोठा है, कोठा। जरूरत पड़ने पर पुलिस वाले तवाइफ का कोठा तो क्या, किसी अमीर की कोठी तक भी पहुंच सकते हैं, और अगर कोई किसी अबला पर जुल्म करे तो उसके गिरेबान तक भी पहुंच सकते हैं। हमारे गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर, वरना ये पुलिस की खाकी वर्दी तेरा कफन बन जाएगी। कानून को कफन पहनाना इतना आसान नहीं। हाँ, वक्त आने पर तुम लोगों को हथकड़ी पहनाना मुश्किल भी नहीं। इंस्पेक्टर,
ये तो बता, कहीं ये तेरी हाय यार तो नहीं लगती? अरे ठाकुर, मुझे ये इसकी यार नहीं, मुझे तो ये इसकी प्यार लगती है। छोड़ दो इसे। क्या कहा? छोड़ दे तो छोड़ देते। हट गया ढोल, आप क्या बजाओगे? अरे तुम लोग आसमान का टूटा हुआ तारा हो, हवा से भरा वो गुब्बारा हो जिसको सुई लगाते ही फट जाता है। तुम लोग इंस्पेक्टर को देकर ऐसे भागे जैसे बिल्ली शेर को देकर भागती है, क्यों? अरे वो पुलिस वाला है और सारा डिपार्टमेंट जानता है कि ईमानदारी के मामले में उसका मुंह एकदम गोरा है और हम सबका मुंह काला है। समझ में नहीं आता है कि इंस्पेक्टर विक्रम का इलाज कैसे किया जाए। उसका इलाज मेरे पास है। वो क्या है? जब मैं जेल में था तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। तुम्हारा ही नाम अजीत सिंह है? हाँ। तो तुम ही वो आदमी जिसने 20 पुलिस वालों को मारा था? काम की बात करो। हमारे लिए काम करोगे? मैं काम सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ। माल कितना मिलेगा? इतना माल मिलेगा जितना तुम गिन भी नहीं सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? उसका इंतजाम मैं करूँगा। कल मेरी सजा पूरी हो रही है, मैं बाहर निकलते ही तुम्हें बाहर निकालूंगा। ठीक है। और वो छुपने के लिए जगह की तलाश कर रहा है। अबे मेरे काला, मेरे काला, मेरे काला, बात हो रही है इंस्पेक्टर की, तूने बीच में डाकू को क्यों डाला? ओ मेरे काला। क्योंकि डाकू अजीत सिंह की शक्ल विक्रम से मिलती है। ओ हो, यानी के डबल रोल। वाह, अब हम इस डबल रोल का पूरा फायदा उठाएंगे। आखिर तू मुझे कहाँ ले जा रहा? डाकू लाखन सिंह को पकड़ने के लिए उसकी अड्डे की ओर। लेकिन ये रास्ता तो वहां नहीं जाता। कभी कभी गलत रास्ते भी सही मंजिल तरफ पहुंचा दे। इंस्पेक्टर ईमानदार, मुझे लगता है कि हमें डाकुओं ने घेर लिया। हाँ हाँ, लेकिन हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मुझे? हाँ। इसका मतलब है तुम कानून को धोखा दे रहे हो? हाँ, ये मेरी पुरानी आदत है। अगर मौका मिला ना तो मैं अपने बाप को भी धोखा दे रहा हूँ। पकड़ ले इसे। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये चलाने के काबिल नहीं है क्योंकि इसकी गोलियां मैंने थाने में ही निकाल ली। हाँ? विक्रम, ओ विक्रम, उठ जा मेरे लाल। उठ जा, बहुत हो गया। तुम लोगों ने मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा है? आई, मेरी वर्दी कहाँ? तेरी सरकारी वर्दी हम लोगों ने उतारी और अब वो वर्दी मैं पहनूंगा। तुम तो मेरे हमशक्ल हो। तुम चाहते क्या? चाहता ये नहीं, चाहते हमें, वो भी जोरा बाई को। अब ये इंस्पेक्टर बन के जाएगा और जोरा को हमारा मौरा बनाएगा। हाँ। मैं हल्के से होने दूंगा, हल्के से होने दूंगा। ए, ए, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। चाकिर साहब, आओ इंस्पेक्टर, आओ आओ आओ। आपके कहने के मुताबिक मैंने इस कानून के भक्षक को कानून का रक्षक बना दिया है। वाह, अब तो कानून भी हमारे साथ है। अब हम जोरा नाम की चिड़िया को गुड़िया बनाकर उसके साथ खेलेंगे। विक्रम, विक्रम,
मुझे बचा लो विक्रम। कौन हो तुम? देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, अपनी जोहरा को जगीर सिंह और उसकी टोली से लुटने से बचा लो विक्रम। ओ आ गया, आ गया। जगीर सिंह और उसकी टोली के लिए मौत की गोली लगाने का वक्त आ गया। आओ चलो। लोगों की ये जरूरत, इतने गलत रंग ढंग कि एक मजबूर लड़के के साथ ढंग करो। अबे इसका गोरा गोरा रंग देखकर किसका जी नहीं चाहेगा कि इसके साथ ढंग करे। मैं रंग में भंग कर दूंगा और तुम लोग को अरेस्ट करके सारी दुनिया को दंग कर दूंगा। लगता है कि इसके हुस्न का नशा इसके सिर पे चढ़ गया। अरे बेरुखे, ये बोतल से कितना माल पिया तूने? ये क्या हो गया तुम्हें? जागीर सिंह की गुलामी का शौक हो गया। अरे लड़की तो आ गई, लेकिन ना खटिया है, ना पलंग है, ना बसेरी है। लड़की तो आम बिसेरी है, और फिर हमारे पास हवेली है। हवेली में खटिया बिछाओ और प्यार के गीत। ये क्या हुआ तुम्हें? जागीर, लाला, ठाकुर और विक्रम ने मिलकर मेरी इज्जत लूटी। लाकर हसन काली मैया की, मैं भी जाकर उन कमीनों की लाशें बिछा दूंगा, ऐसे नाबूद कर दूंगा लाशें बिछा दूंगा। नहीं लाकर, उन लोगों ने मेरे सीने में कांटे चुभे हैं, उन्हें तो मैं खुद ही निकालूंगी। मैं अपनी बर्बादी का इंतकाम खुद लूंगी। लाखन, तुम बस इतना कर दो, मुझे मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। लाखन, लाखन तुमसे वादा करता है जोरा, आज के बाद जब भी लाखन की जरूरत पड़ेगी, लाखन तुम्हारे साथ होगा। आओ ताऊ से बात करते हैं। अच्छी तरह जानते हो कि हम और आजाद को अपने गिरोह में शामिल नहीं करते। इस हसीन तिनके को यहाँ उठाकर क्यों लाए हो? आओ जी, मैं इसे जीना सिखाऊंगा, बंदूक चलाना सिखाऊंगा, ताकि ये उनसे बदला ले सके जिन्होंने इसकी इज्जत लूटी है। इसके दुश्मनों के नाम? जागीर सिंह, विक्रम, लाला और ठाकुर भैरव सिंह। ये हमारे गिरोह में शामिल नहीं हो सकते। मैं उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि वो सब मेरे दोस्त हैं। मगर मैं इसे वचन दे चुका हूं ताऊ जी, और मैं अपना दिया हुआ वचन हमेशा निभाता हूं। तुम्हारी जबान तुम्हारे मुंह में है, भूल जाओ अपना वचन। ताऊ जी, मर्द वही होता है जो दिया हुआ वचन निभाता है और जो नहीं निभाता। तुम अपना वचन निभाओ या मत निभाओ, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये लड़की किसी भी कीमत पर हमारे गिरोह में शामिल नहीं हो सकती। ठीक है ताऊ जी, अगर ये यहां नहीं रह सकते तो फिर मैं भी गिरोह छोड़कर जा रहा हूं। तुम में से जो भी मेरे साथ आना चाहे आ सकता है। हम आपके साथ हैं सरदार। हाँ सरदार, हम सब आपके साथ हैं। अब मैं इसके साथ हूं ताऊ जी, असम काली मैया की, इसका पाल भी पाका नहीं होगा। आओ। मैं भी देखता हूं कि तू मुझसे अलग रहकर कितने दिन जिंदा रह सकता है। जागीर सिंह, जागीर सिंह! अरे एक ही जगह खूंटी गाड़ कर बोलते रहोगे, जागीर सिंह, जागीर सिंह, जागीर सिंह। थोड़ा आगे तो बढ़ो, यानी कि जो बोलना है वो तो बोलो। लाखन ने एक लड़की के लिए मुझसे झगड़ा कर लिया और उसने अपना एक अलग गिरोह बना लिया, और वो लड़की जरूर जोरा भाई होगी। जोरा भाई, तुमने ये पहेली इतनी जल्दी कैसे बूझ ली? अरे जोरा चीज ही ऐसी है। अरे जोरा ऐसी कमाल की चीज है जिसके लिए लाशों का ढेर लग सकता है, राजा अपना तख्त और ताज भूल सकता है, और फिर अगर जोरा ने लाखन के दिल पर कब्जा कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ
तो ये भी नहीं रहा एहसास दर्द होता है या नहीं होता, दिल हमारा है या तुम्हारा है, हमसे ये फैसला नहीं होता। लखन, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि वो तवायफ जो कोठे पे नाचा करती थी आज एक डाकू बनकर भागते फिर रहे हैं। वो कलैया जिम में कंगन हुआ करते थे, क्या बंदूक का वजन उठा सकेंगे, अपने दुश्मन को मार सकेंगे? दुश्मनों की जिंदगी पर लगा डालूंगी मौत का पहरा, सर से उनके नोच कर फेंक दूंगी जिंदगी का सहरा, दुश्मनों की हर सांस तड़प तड़प कर पुकारेगी, हाय जोहरा, हाय जोहरा, हाय जोहरा। बदन तो बिल्कुल खोखला है, तेरी असली ताकत तो तेरी दौलत है। आज मैं तेरी ये दौलत लूटकर तुझे भिखारी बना डालूंगी। अबे चुप, साथियों लूट लो इसकी दौलत। अरे मैं लूट गया बर्बाद हो गया, जोरा भाई ने ऐसा झाड़ू मारा कि एक एक रुपया ले गई मेरा। जोरा भाई में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अरे लाखन ने उसे डाकू बना दिया है, बंदूक चलाना सिखा दिया है, वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि मैं जिंदा बच गया हूँ। उसने तुझे जिंदा इसलिए छोड़ दिया ताकि तू हम सबको उसकी राम कहानी सुना सके। इस राम कहानी को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमें जोरा भाई को प्यार का फूल सुखा कर उसको मौत के मुंह में डालना होगा। वो कैसे? जोरा प्यार करती है विक्रम के साथ और अजीत विक्रम का हम शक्ल है, हम जोरा के पास विक्रम की जगह अजीत को भेजेंगे और फिर उसके बाद जानता हूं जोरा कि तू मुझसे नाराज है क्योंकि तू मुझसे मदद मांगने आई थी और मैंने तुझे उन भेड़ियों के हवाले कर दी जिन्होंने तेरी इज्जत लूट ली। ए चल, जरा हट के अपनी दुकान लगा, नहीं तो चूना कथा समझकर पान में लगाऊंगी और पान की तरह तुझे चबाऊंगी, फिर तेरी चबाई हुई लाश को मौत के पिकदान में थूक दूंगी। मुझे माफ कर दे जोरा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, दरअसल मैं उन कमीनों का मोहरा बन गया था। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी बल्कि जोहरा को इंसाफ दिलाऊंगी। जैसे टकले से आशीर्वाद लेने आया है, पहले ये तो बताओ तो किसी आसमान से गिरा है क्या? ठाकुर, ये आसमान से गिर के खजूर में अटका है और फिर यहाँ गिरा है। लगता है तू लड़की से नहीं बल्कि किसी ट्रक से टकरा गया है, इसीलिए तेरा भेजा चकरा गया। अबे ओ, तू तो जोरा के प्यारे प्यारे होंठ को चुमने गया था, उसके प्यार की दुनिया में घूमने गया था, वहाँ क्या उल्टा पुल्टी हो गई? जोरा की मार खा खा के खून की उल्टी हो गई? जागीर साहब, जोहरा ने मुझे घुमा कर रख दिया और उस धोबी की तरह पीटा और उसके चिटड़े चिटड़े उड़ा देता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कमिश्नर से बात करके जोहरा की जिंदगी पर मौत का पहरा लगा देंगे। रोक दे, रोक दे, रोक रोक दो।
अब तो एक काम कर, सीधा घर जा, समझा, और जाके चाय बना, और फिर उसके बाद बिस्तर लगा, और फिर बिल्ली को घास खिला, गाय को दूध पिला, और फिर उसके बाद झाड़ू लगा, पोछा लगा। बस, क्या हुआ? बस, अपने जायज बाप होने का कितना नाजायज फायदा उठाते। मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ जो आपके सब काम करो। एक काम कीजिए, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अबे गधे की औलाद, अबे शादी करने के लिए तेरी दादी ने मना कर रखी है यार। झूठा, ये क्यों नहीं बोलता कि तब कपड़े कमजोर हो चुके, आप किसी लायक नहीं है, आप नालायक हो चुके हैं। चैलेंज करता है। अबे अगर मैंने अपना जलवा दिखा दिया ना, तो तेरे थोबड़े का वो हाल हो जाएगा जैसे कि उजड़ा हुआ मकान होता है जिसकी खिड़की दरवाजे हवा हो चुके हैं और छत ऐसे हो जाएगी। आपको शादी नहीं करना तो मत करो। पड़े रहो साबुन की तरह जिसे कोई मुंह नहीं धोता, खड़े रहो उस कड़े की तरह जिसमें कोई पानी नहीं डालता। लेकिन शादी मैं करूंगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं भी उस खंडर की तरह बन जाऊं जिसमें सिर्फ हवाएं रहती है, किसी हसीना की आवाज नहीं सुनाई देती। हसीना, हसीना तुम कौन हो? मेरा नाम हलवा है। तुम्हें क्या हलवा का जलवा है? तुम्हारा रूप रंग देखकर, भंग पीकर, भंगड़ा करने का दिल चाहता है। तुनक 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 ताना ना। भंगड़ा करना बंद कर दे और पहले मुझे इस हलवे से पूछने दे कि ऐसा जलवा लेकर किसे तलाश रही है। मुझे एक अच्छे बहादुर साथी की तलाश है। तुम्हारी तलाश खत्म हुई। मैं हूँ ना बुड्ढा पलटी खा रहा है। चुप बे, पहले इस हलवे के लिए जलवेदार चाय बना कर। चाय बनाने से पहले बापू मैं से आपकी बहू बनाऊंगा और फिर चाय के साथ आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। इससे पहले मैं इसे तेरी माँ बनाऊंगा। बापू याद है आपको मरती हुई दादी की मरती हुई कसम कि आप शादी नहीं करेंगे। अबे तू चुप कर बे, कसमें और रस्में तो होती है तोड़ने के लिए है नादा। बहुत झूठा है तू, इधर आ डार्लिंग, इसका रास्ता छोड़ दे। मैं इसे भी एक्सपायरी डेट का इतना पता है। मुझे तो पूछिए ना किससे शादी करूंगी। किससे शादी करोगी हलवा? जो जोहरा बाई को पकड़ेगा और कानून की हथकड़ियों में जकड़ेगा। जोहरा बाई। सरदार, सरदार, क्या खबर लाया है रे हरिया? सुना है थानेदार विक्रम ने हमारे खिलाफ मौत का दरिया बहा दिया है। गांव गांव में डुग्गी बज रही है कि जोरा को देखते ही गोली मार दो, इनाम रखा है 50,000। ये सरकार भी बड़ी कंजूस मक्खी चूस हो गई है रे, जिसने हमारे नाम का इतना कम इनाम रखा है। आज तक पुलिस वाले डाकुओं के नाम के डुग्गी पिटवाते आए हैं, आज हम थानेदार विक्रम के नाम की डुग्गी पिटवाएंगे जो जोहरा को बर्बाद करने का जिम्मेदार है। अरे ये जोहरा का आदमी है, पूरे गांव में डुग्गी पीट रहा था, जो आपको मारेगा उसको 5,00,000 इनाम मिलेगा। अच्छा तो तू जोहरा का आदमी है? कौन उसका पता कहा? नहीं बताऊंगा। और जोरा का पता कहाँ है? मैंने कहा ना इंस्पेक्टर, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं। जोरा का पता तो तू मेरी मार खाने के बाद ही बताएगा। हमारे आने की खबर उसे पहले से मिल गई होगी, लेकिन वो मेरे हाथों से आज बचकर नहीं जा सकती। मैं इन पहाड़ों का सीना चीर कर उसे तलाश करूंगा। और खुद जोहरा के घेरे में फंस गया रे। मुझे मालूम था
कि तू मुझे जरूर घेरेगी, इसलिए मैंने भी तुझे घेरने के लिए तेरे लिए फंदा पहले से तैयार करके रखा था। अगर हम तेरे निशाने पर हैं, तो एक नजर वहां डालकर देख, तू भी पुलिस के निशाने पर। देख जरा भाई, देख भाई। विक्रम, अगर तुम इंस्पेक्टर विक्रम हो तो जो इंस्पेक्टर बनकर मेरा पीछा कर रहा था। अच्छा, तो वो कमीने इंस्पेक्टर विक्रम तक पहुंच गए। ये तो बड़ा गजब हो गया। लाला कुछ भी कहो, मुझे तो ये बाजी हाथों से निकलती नजर आ रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। असली माजरा क्या है? उस कमीने भैरव सिंह, जागीर सिंह और उस बेईमान पुलिस ऑफिसर ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम जाना से अचानक डाकू कैसे बन गए? ये रास्ता मुझे लाखन ने बताया है। बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा।
लाखन? लाखन कहाँ है? सरदार, वो आपको बचाते हुए बुरी तरह जख्मी हो गए। क्या? और बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और सरदार, लाखन सिंह को गोली भी लगी है। अब कैसे हो बेटे? ठीक हूँ, क्योंकि आपके इलाज में सिर्फ दवाई नहीं, एक माँ का दिल भी है जो ममता से भरा हुआ है। मैंने सुना है तुम डाकू हो। शक्ल से तो तुम किसी अच्छे खानदान के लगते हो, फिर डाकू कैसे बने? कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मैं एक शरीफ माँ बाप का बेटा हूँ, लेकिन जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया वो कहता है कि मैं उसे जंगल में पड़ा हुआ मिला। किसने पाला तुम्हें? डाकू मान सिंह ने। डाकू मान सिंह ने? डाकू मान सिंह ने पाला तुम्हें? हम अगर आपके परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज से 20 साल पहले और तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। बेटा, मेरा बेटा, अब मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। अब मैं तेरे बिना नहीं जी सकूंगी। एक बार तो जाना है तुम्हें। कहाँ? डाकू मान सिंह से हिसाब वसूल करके मेरे बाप के खून के बदले में मान सिंह को खून की नदी बहानी होगी। अच्छा, तो लाखन को अपनी माँ की ममता का माखन चाटने को मिल गया। उसे पता चल गया कि उसके बाप के कातिल हम हैं। कोई बात नहीं, वो हमसे बदला लेने के लिए जेल से जरूर भागेगा, फिर हम उस अभागे को मौत के धागे में बांध देंगे। क्या लाखन जेल से भाग गया और मान सिंह उसे घेरे में लेके मार डालना चाहता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता रे, क्योंकि मैं मान सिंह की मौत बन जाऊंगी और उसे मौत के अंधेरे में दफन कर दूंगी। अपनी माँ के लाडले जेल में माँ से जी भर के गले मिलाया? जेल में अपनी माँ के गले लग कर आया हूँ, अब तेरा गला काटूंगा, तेरा कीमा बनाकर ताऊ कुत्तों को बांटूंगा। कीमा बनाने के लिए कसाई के पास बहुत बड़ी छुरी होती है, तेरे हाथ तो किसी फकीर की झोली की तरह खाली है। तेरी हस्ती मिटाने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं, मेरे ये दो हाथ काफी हैं। तुझे गोली मारने के बाद तेरे इन हाथों को तोड़ूंगा और मौत से तेरा नाता जोड़ूंगा। मर गया चुड़ैल का जना। लाखन, चलो चलते हैं। तो लाखन ने तेरे को मरा हुआ समझा और तेरे मुंह पे थूक के चला गया। मैंने कई बार अपने मुंह को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया, मगर क्या करूं, उसके थूक की बदबू नहीं जाती। नफरत इस बदबू को मिटाने के लिए साबिन के नहीं बल्कि लाखन के खून की जरूरत है। ठीक बोल रहा है ये मान सिंह, मेरे आदमियों को लेकर जा और उसके खून से अपना मुंह फोड़ा। नहीं जागीरा, वो इस धोखे में है कि मैं मर चुका हूँ, उसे धोखे में रहने दो और मुझे पर्दे में रहने। एक दिन मैं पर्दा उठाऊंगा, धोखे से उसकी लाश गिराऊंगा और फिर उसकी लाश को मिट्टी का तेल छिड़क कर राख लगाऊंगा।
जोरा भाई, जोरा भाई बाहर निकल, देख इन वीरान वादियों में तुझे कौन सा शेर ललकारने आया है। लगता है मेरी ललकार से डर के कहीं छुप गई है। क्यों रे दरोगा, पागल हो गया है क्या जो कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? जोरा भाई सीधे साधे अपने आप को करुण के हवाले कर दो, नहीं तो चल हट, नहीं तो क्या होगा रे खूसट, नहीं तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा। तू आदमी तो है हट्टा कट्टा, पर बहादुरी के नाम पर है बट्टा। बोल, अपनी मौत को बुलाने यहाँ पर क्यों आया है? मुझे एक हसीना ने बहकाया है, उसने ये शर्त रखी है कि अगर मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा तो वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ लेगी, मेरा मतलब है मुझसे शादी कर लेगी। मरघट की तरफ जाते हुए पैरों को प्यार के पनघट पर मत रख। अरे तेरी ये उम्र भगवान की पूजा करने के लायक है, लड़कियों के साथ नाचने गाने की नहीं है। देखो जोरा, तुम्हारे यहाँ तो कई डाकू और पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, अब मैं तुम्हें एक भी खून नहीं करूंगा। पर जिन लोगों को मुझे मारना है वो अभी तक जिंदा है, पहले उन लोगों को मार लू फिर खुशी खुशी मुझे फांसी पर चढ़ा देना। नहीं जोरा, ये सब मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा, तुम नहीं जानती इस दिल पर कितना बड़ा बोझ है, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था वो आज कानून का जंगली दुश्मन बन चुकी है। लेकिन जोरा तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हो। किस कानून की दुहाई देता है इंस्पेक्टर? उस अंधे कानून की, ये भी नहीं देख पाता कि तेरे जगह तेरा हमशक्ल डाकू अजीत थाने में बैठा है। वो वहां थाने में तेरी कुर्सी पे बैठकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और तू यहां जोरा से कह रहा है ये अपने आप को उसी कानून के हवाले कर दे। जाओ पहले ये तो साबित करो कि तुम इंस्पेक्टर विक्रम हो। लखन सिंह, वो तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। जोरा तुम आइंदा अपने हाथ किसी के खून से मत रखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। विक्रम, इंतकाम की आग में जो जलता है ना वो इंसान नहीं जिंदा लाश होता है, और उस लाश को जिंदगी उसी वक्त मिलती है जब उसका इंतकाम पूरा हो जाता है। जाओ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ईमानदार, तुम इस जगह को पहचानते हो? हाँ, ये वही जगह है जहाँ तुम इंस्पेक्टर विक्रम बन गए थे। गलत, ये वही जगह है जहाँ डाकू अजीत सिंह इंस्पेक्टर विक्रम बन गया था। क्या मतलब? हाँ, मैं इंस्पेक्टर विक्रम हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम, उस दिन भी तुम्हारी जीत नहीं हुई थी, आज भी तुम हारोगे। देख लिया कानून का प्यार, आज ये जिंदगी मैंने तुझे उधार दी है, इसका कर्ज तुम्हें एक ना एक दिन चुकाना पड़ेगा। बोल डाकू जोरा, मैं तेरा ये कर्ज कैसे चुकाऊं? कानून के लिए हाथ जोड़ना भूलकर कानून को तोड़ने वाला बन जा। नहीं, अगर तू चाहती है तो मुझे गोली मारकर अपना ये कर्ज वसूल कर ले, लेकिन कानून से गद्दारी करने को कभी मत कहना। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर ईमानदार को मारूंगा।
क्या बात है जागीर? भाभी जान दिखाई नहीं दे रही। मानसे आज के बाद तुम हमारे धर्म पत्नी को सिर्फ भाभी कहोगे। अगर आगे जाल लगाई तो ये बंदूक की नली तेरे कान में घुसेड़ कर तुझे खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं भाभी को जान कहकर अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। दूसरी बात, आज के बाद तुम हमारी हवेली में नहीं आओगे, बाहर घोड़ों के अस्तबल में सोओगे। ठीक है, अस्तबल में सो जाएंगे, मगर तुम इतने गुस्से में कहां जा रहे हो भाई? मैं इंस्पेक्टर ईमानदार को थोड़ी ईमानदारी सिखाने जा रहा हूं। अगर वो तो मर गया? कैसे? उसे जोरा भाई ने मार दिया। जोरा भाई ने उसे मार दिया? ये अचानक जोरा भाई में इतनी ताकत और अक्ल कहां से आ गई जो वह लाशों पे लाशें गिराती जा रही है? उसे ये बहादुरी की मलाई खिलाई किसने? ये हिम्मत और ताकत उसे लाखन ने दी है, और जब तक लाखन मरेगा नहीं, जोहरा का सर तुम्हारे कदमों में गिरेगा नहीं। मरेगा, लाखन भी मरेगा, लेकिन उससे पहले मरेगा वो ठाकुर। लाखन ने अपनी बहन की शादी ठाकुर से जब करवाई थी तो ऐलान किया था कि अगर उसकी बहन को जरा भी तकलीफ हुई तो वो ठाकुर को जान से मार देगा। मैं ठाकुर से कहूंगा कि वो दूसरी शादी करे, और जब लाखन को यह समाचार मिलेगा कि ठाकुर दूसरी शादी कर रहा है तो गुस्से से ठाकुर के घर में जाएगा और फिर ठाकुर को जान से मार देगा। ठाकुर भी गया। अगर तुम क्यों चाहते हो कि ठाकुर लाखन के हाथों मारा जाए? क्या उसने भी तुम्हारी घरवाली को जान, मेरा मतलब है भाभी को, जान कहा था? मान सिंह, क्या ठाकुर दूसरी शादी कर रहा है? असम काली मैया की, अब मैं उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा। नहीं लाखन, मुझे तो ये ठाकुर की कोई चाल लगती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं जोरा, ये काम मेरा है, मुझे मेरा काम करने दे। तेरा काम है अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना, ना मैं तेरे शिकार को मारूंगा ना तू मेरे शिकार को हाथ लगाएगी। और अगर ये ठाकुर की चाल है तो फिर मेरे साथ भी बब्बाल है। बड़ा एतबार करते थे, सुबह से शाम तलक इंतजार करते थे, ये सोए रहते थे घर में, हम काम करते थे, ये जो भी कहते थे हम इंतजाम करते थे। तौबा इनके नखरे, तौबा इनकी बातें, उफ इनके दिन, आहा इनकी रातें। जिंदगी लुटा बैठे इन हसीनों पे, अजी हमको एतबारी नहीं, इन हसीनों पे अजी हमको एतबारी नहीं, इन वफादारी नहीं, क्योंकि ये लोग कहीं से भी वफादारी नहीं। तुमने अपनी दौलत लुटाई है हसीनों पे, कब मैंने कहा था तुम खिदमत करो हमारी, तुम्हें धोखा दे गई है चालाकियां तुम्हारी। तुम लगाते थे चक्कर मेरी गली के, लोग जलते थे तुमसे मेरी
तुम्हारे अंदर अब जोश नहीं है। ये दीवाने है जी ये किसी के यार नहीं। ये दीवाने है जी ये किसी के यार नहीं। Thank you.
का शिकार हम दोनों शेर और शेरनी साथ करते हैं। आओ। गोली तेरे लिए बचा के रखूंगा। लीजिए, आपकी सजा पूरी हो चुकी है, आप जा सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बेटा जब यहाँ वापस आएगा, मुझे यहाँ ना पाकर उसे बड़ा दुख होगा। देखिए, मजबूर है, सजा पूरी होने के बाद एक मिनट भी हम किसी को यहाँ नहीं रख सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालिए। तुम्हें कैद में रहने का इतना ही शौक है ना, तो चलो जागीर सिंह की कैद में। सरदार, जागीर सिंह ने एक चिट्ठी भेजी। तेरी माँ हमारे कब्जे में है, अगर माँ की जिंदगी चाहता है तो गोल मैदान में आ जा। मान सिंह, अरे माँ के लिए गोल मैदान तो क्या, मैं काल के मुंह में भी घुस जाऊंगा। और तुझे, तुझे तो आज मैं जहन्नुम में जरूर पहुंचाऊंगा। मान सिंह, सदर हम भी साथ चलेंगे। नहीं दिलावर, कुत्ते का शिकार करने के लिए शेर को अपनी टोली की जरूरत नहीं होती। जब इंसान को तकलीफ होती है तो भगवान उसकी मदद को आता है, और जब शैतान को तकलीफ होती है तो ये जागीरा उसकी मदद को आता है। आज हमने फिर से डाकू का टोला पहन लिया है, क्योंकि आग का गोला बनने के लिए डाकू का टोला पहनना बहुत जरूरी है। अब आएगा मजा, जब लाखन इधर आएगा और उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लाखन! आओ लाखन, आओ, दिल की धड़कन बनकर मां के सीने से लग जाओ। मेरी माँ को छोड़ दे जागीर सिंह, नहीं तो तेरी चीखों से
इन पहाड़ों का कलेजा कांप उठेगा। मानसिंह, तुम्हारा दुश्मन सामने खड़ा है और तुम खामोशी से इधर उधर देख रहे हो। इसके मरने से पहले तुम भी तो कुछ डायलॉग बोल लो। आज मेरे हाथों से मरने वाला ये जुल्म के कोख से निकला हुआ बदबूदार जानवर क्या बोलेगा? इसने बरसों मुझे और मेरी माँ को खून के आंसू रुलाए हैं। भैया, बरसों पहले मैंने तुझसे कहा था कि तू अपना मुंह मत खोलना, लेकिन तूने अपना मुंह खोला, इसलिए अब उठने वाला है तेरे बेटे की मौत का डोला। मुझे सोते में ऐसा लगा जैसे दूर कहीं से कोई अपना मुझे आवाज दे रहा है। होगा कोई तुम्हारा अपना नहीं सरदार, जिकरा को तुम्हें याद आ रही हो। लाखन कहाँ है? वो मान सिंह से अपना बदला लेने के लिए भोर होते ही चले गए सरदार। मुझे क्यों नहीं जगाया रे? सरदार ने कहा था कि मेरा अपना मामला है, इसे मैं खुद ही निपट लूंगा। उन कमीनों से निपटना इतना आसान नहीं। चलो फट गया ढोल, अब क्या बजाएगा? बोल लाखन बोल, तेरी झोली में भरूं मौत के पत्थर या मौत के कांटे? क्योंकि हमने हमेशा अलग अलग तरीके से मौत के तोहफे हैं बांटे। अरे कमजोर औरत की आड़ लेकर मौत के तोहफे बांटने वाले बहुत जल्द पड़ेंगे तेरी जिंदगी के लाले। जोरा कहराम मचाती आएगी और तुम दोनों की नापाक हस्ती को मिटाएगी। जोरा की जहरीली ठुमकी की धमकी ना दे, उसके आने से पहले मैं तेरा सीना फाड़ूंगा और उसमें बारूद का खजाना गाड़ूंगा, और जैसे ही बारूद का खजाना फटेगा वैसे ही तू मेरे रास्ते से हटेगा। Thank you.
अरे बापू, ये खाली गन क्यों हिला रहे हो? अब छोटी छोटी तू समझता नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। अभी इनको मेहनत करने दे, मरने दे, बाद में भलाई तो हम दोनों ने खानी है ना। बुड्ढा फिर पलटी मार रहा है। अरे छलनी कर दूंगा। लगता है मलाई खाने का टाइम आ गया है। बापू, इससे पहले कि कोई और पुलिस वाला जाकर जोरा भाई को पकड़ ले, चलो हम जाकर उसे पकड़ लेते हैं। चल 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 चल, कमाल फॉलो मी। मर गया ये आखिरी कमीना भी। आखिर तुमने अपना इंतकाम ले ही लिया, अब तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तो खुद ही अपने आप को कानून के हवाले करने आ ही रही थी। हवालदार, हथकड़ी लाओ।
जोरा भाई को हमें गिरफ्तार करने दे। अगर मैंने जोरा भाई को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा। मेरी शादी कैसे? जिस लड़की से तुम लोग शादी करने जा रहे हो वो कोई मामूली लड़की नहीं है। तो कौन है? वो सीबीआई ऑफिसर शालिनी वर्मा है। वेरी गुड इंस्पेक्टर, जोरा को प्यार करने के बाद भी तुमने जोरा को अरेस्ट किया, और ये है वो दोनों जुजुड़ी पे आशिकी झाड़ते हैं, पत्नी तलाश करते हैं। तो फिर मैं शालिनी, इन्हें क्या सजा देनी चाहिए? मैं इन दोनों को सस्पेंड करती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। आओ मेरे साथ।